हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग एक भारसा टीचर से, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो का लास्ट तक और देखते रहिए हमारा चैनल एंटेक। और अभी तक आप लोगों ने एंटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि हमारा जो भी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हमारे बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि आप ये बताओ कि हमारा जो व्हाट्सएप है वो पहले की तुलना में ज्यादा सेफ हो सकता है या नहीं। जब हम अपना फोन किसी थर्ड पर्सन को देते हैं, हमारा पासवर्ड उसे पता होने के बावजूद भी वो हमारे व्हाट्सएप को यूज ना कर सके या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज ना कर सके और बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सपोर्ट को ये काम हम कर सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो का लास्ट तक और वीडियो को बिना स्किप किए से पूरा देखें। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन होगा आपके लिए बहुत यूजफुल। अगर दोस्तों, अगर आप लोग व्हाट्सएप से संतुष्ट नहीं हो तो एक बार आप लोग व्हाट्सएप बिजनेस का भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता कि आप ऑलमोस्ट फिंगरप्रिंट को इनेबल करके रख सकते हो। इससे होगा ये कि बिना आपके फिंगरप्रिंट को दिए हुए वो आपका व्हाट्सएप ऑन नहीं होगा और पासवर्ड पता होने के बावजूद भी पासवर्ड का आप यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये तो ही पहली बात, इसे रखते हैं साइड में। हमें व्हाट्सएप का प्रॉब्लम सोल्व करना, तो हम व्हाट्सएप का ही प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ये तो हमारे लास्ट में ये काम आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसे देखेंगे। तो दोस्तों, हमें करना कुछ नहीं, बस चलना अपने फोन के सेटिंग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और चलेंगे अपने फ़ोन के सीधे सेटिंग में। तो दोस्तों, जब आप सेटिंग में आते हो तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे प्राइवेसी का। जब लोग आप प्राइवेसी पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोगों को नीचे में ऑप्शन मिलेगी ऐप लॉक का। जब आप लोग ऐप लॉक के अंदर एंट्री करोगे, आपका अपना पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड देने के बाद दोस्तों, ठीक है, आपको यहाँ पर अपना पहले ऐप लॉक लगा लेना है। जब आप लोग ऐप लॉक लगा चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट आप लोग के फ़ोन में ऐप लॉक ऑलमोस्ट लॉक होता है, तो हमें किसी एक एप्लीकेशन को चूज करना होगा जिसे हम लोग हार्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एयरटेल का ऐप, जो कि ना इसमें अभी पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और ना ही ये हार्ड है। तो इसे हम लोग पहले पासवर्ड लगाएंगे, फिर से हार्ड करेंगे। हार्ड होम स्क्रीन आइकन है, उस पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर से अपना पासवर्ड एक चूज करना है। हम अपना यहाँ पर से एक पासवर्ड चूज करेंगे, जैसे कि वो पासवर्ड होगा H1234, ठीक है, और फिर लास्ट में H। दोस्तों, एक से 16 डिजिट का, 1 से 16 तक का जो कोई भी अंक आप चूज कर सकते हो, लेकिन उसके लास्ट और फर्स्ट में, ठीक है, H होना ज़रूरी है। तो भाई, ये दोनों का यूज करने के बाद, ठीक है, मैंने पासवर्ड लगा रखा है H1234, ठीक है। अब इसे लगा देने के बाद दोस्तों, देखो ये यहाँ पे सा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो ये भाई, यहाँ पे से मैंने डन किया और ये ऑन हो चुका है। आप चाहो तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो स्क्रीन पे मंगा सकते हैं, नहीं मंगा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो भाई, ये जो नीचे दो को ऑप्शन शो कर रहा है, इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा। लेकिन हम कहेंगे आप लोगों को इसे भी ऑफ करके रखना चाहिए, अगर आप लोग इतना प्राइवेसी चाहते हो अपने फ़ोन में तब। तो दोस्तों, ऑलरेडी भाई दिखा दूँ मैं पहले। देखो भाई, जो एयरटेल का ऐप था वहाँ पर से हट चुका है। दोस्तों, कुछ और भी एप्लीकेशन को हाइड करके दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को। पहले अपना जो पासवर्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पे से डाल लिया और यहाँ पे से भाई, ठीक है, ये सारी एप्लीकेशन मैं यहाँ पे से हाइड कर रहा हूँ। आप लोग देखो, मैं यहाँ पर से जो अमेजोन का जो एप्लीकेशन था उसे मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। अब भाई देखो, जो अमेजोन का जो एप्लीकेशन यहाँ पर शो कर रही थी स्क्रीन पर, वो अब शो नहीं करेगा। जो यहाँ पर शो कर रहा था दोस्तों, वो अब शो नहीं कर रहा, वो सीधे चल गया हार्ड में, ठीक है। वो हार्ड हो चुका है, हमारे फ़ोन के अंदर चला गया है। अब तो उसे निकालना किस तरह से, हम आएगा अपने फ़ोन में जहाँ पे अपना नंबर डायल करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे नंबर डायल करने के बाद दोस्तों, ठीक है, जब अपना पासवर्ड यहाँ पर आप लोग डायल करोगे, वही पासवर्ड जो आप लोगों ने वहाँ पे चूज की थी, तो हमने चूज की थी H1234 और फिर H। अब इसे डायल करने के बाद दोस्तों, हम अपने दोनों एप्लीकेशन को यहाँ पर देख रहे हैं हार्ड ऐप के अंदर। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर जाना है और जब आप लोग इसके बाहर आओगे दोस्तों, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फिर से वहीं से शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना।